चुनाव मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेस के साथी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर हैं। अभी हम लोग नॉमिनेशन करा के आए हैं समाजवादी पार्टी से। डिंपल यादव यहाँ की प्रत्याशी, उसके लिए फॉर्म भर करके हम लोग आए हैं। ये चुनाव मैनपुरी का उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। नेताजी और इस क्षेत्र की जनता से सीधा सीधा लगाव रहा है। नेताजी की अपनी शुरुआत और राजनीति का पूरा संघर्ष यही मैनपुरी से और मैनपुरी की जनता के साथ और उन जनता के सहयोग और आशीर्वाद से ही आगे बढ़े हैं। आज जब नेताजी बीच में नहीं है, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। डिंपल यहां से प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है यहां की जनता एक बार फिर और जिस तरीके से हमेशा साथ दिया जनता ने, नेताजी के नाम पर वोटों से जितनी जनता भेजेगी। मैं डिंपल से कहूंगा कि एक बार वो भी कह दें। अच्छा जी, सतपाल सिंह जी नहीं नजर आ रहे हैं नामांकन में। सबका धन्यवाद देना चाहूंगी। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी, नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। धन्यवाद। आज नेताजी के बगैर चुनाव में आए हैं, इतना मिस कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव उन परिस्थितियों में हो रहा है जब नेताजी नहीं है। नेताजी नहीं इस समाजवादी पार्टी को जहां बनाया, अपना खून पसीना लगा करके यहाँ के कार्यकर्ता नेता उन्हें नेताजी का साथ दिया। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया राजनीति में और मैनपुरी के विकास को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी के आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहाँ पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव जी को मिले। अच्छा जी, क्या लगता है कि बीजेपी का षड्यंत्र था, एक महीना भी नहीं हुआ था नेताजी के निधन को और अचानक इन्होंने चुनाव का घोषणा कर दी है? मैं इसमें कोई इस बात को नहीं कहूंगा क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है और चुनाव तो होना ही था और इन परिस्थितियों में जब हो रहा है तो अभी नेताजी की यादें ताजी हैं। जिन लोगों से मैं मिला हूं, वो लोग न जाने कितनी पुरानी बातें जो नेताजी के साथ हुई उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ के बुजुर्ग जो नेताजी के साथ संघर्ष में रहे, राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, वो लोग उनके साथ की कहानी, उनके साथ जो बात और उनके साथ जो वक्त गुजरा उसके बारे में बताते हैं। नेताजी की यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जिनके साथ यादें जुड़ी हैं। इसलिए नेताजी का ये चुनाव
और नेताजी के ना रहने पर ये जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की जनता जिस तरीके से उन्होंने विकास देखा है नेताजी के माध्यम से, ऐतिहासिक वोटों से जिता करके समाजवादी पार्टी को भेजेंगे। नामांकन के लिए जो आलोक साग के राजनारायण बाथम जी और हमारे साथे वकील साहब बैठे हैं एच हाशमी, इन लोगों के साथ नामांकन हुआ है, यही प्रस्तावक हैं हमारे। और तेज प्रताप जी चौथे पे जो हमारा पर्चा भरा जाएगा उसके प्रस्तावक हैं। तो आज बहुत सादगी के साथ, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई संदेश ऐसा न जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग किसी खुशी के साथ कर रहे हैं, जब नेताजी नहीं है तो हम सब दुखी हैं। इसीलिए बहुत सादा तरीके से हमने कार्यकर्ताओं से निवेदन भी किया, अपील भी किया और वो हम लोग पर्चा भरे भी। अभी जाने जा रहा हूँ, जाऊंगा। मैं भाजपा के लिए कुछ नहीं कहूँगा। चाचा साथ में नहीं आए, कई लोगों को उम्मीद थी। मैंने आपसे कहा कि आज केवल प्रस्तावक और बहुत कम समर्थक के साथ हमने सादा तरीके से नॉमिनेशन किया है। पूरा परिवार सब साथ हैं और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। आपकी बात किसने, कितने मतों से जीत लगती है आपको मैनपुरी में? अभी तक की सबसे ऐतिहासिक जीत होगी। अध्यक्ष जी, लगातार बीजेपी जो है समाजवादी पार्टी गढ़ को जेंदने का काम कर रही है, बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है, ये लगती है कह रही है सीट ये अब की बार खोएंगी नहीं अपने हाथ से बीजेपी? ये नेताजी की सीट रही है और जितना विकास आपको मैनपुरी में दिखाई दे रहा है, जनता जानती है कि नेताजी का ये विकास है और उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए डिंपल काम करेंगी। जिस तरीके से देखिए, उस बहस में मत जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रामपुर में क्या कर रही है पूरा देश जानता है। क्या इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न, इतने झूठे मुकदमे कभी नहीं लग सकते थे? और लोकसभा चुनाव भी आपने देखा था, आज भी वीडियो है सबके पास, आप लोग प्रेस के लोग हैं, आपके पास भी वीडियो होंगे कि किस तरीके से प्रशासन के माध्यम से लोगों को वोट नहीं डालने दिया। ये रामपुर में जिस गली से लोग वोट डालने जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने पूरी शक्ति लगा करके वोट नहीं डालने दिया था। सर, क्या कारण रहा जो आप कई जगह वहाँ पर आप प्रचार करने के लिए नहीं गए और यहाँ आपका गढ़ है, कर्म भूमि है नेताजी की, सब कुछ आपका, अरे यार तुम लोग क्या आपका गढ़ रहा है, कोई कभी हला नहीं पाया है? अध्यक्ष जी, लगातार मैं चुनाव प्रचार में रहूंगा। अध्यक्ष जी, लगातार पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव का मैनपुरी से नाम चल रहा था, अचानक से नाम हट गया और डिंपल जी का नाम आ गया, इसका क्या रीजन? ये आप मैनपुरी के पत्रकार हैं, इसलिए आप अपना सवाल अपने पास रखिए। नहीं, सांसद जी के नाम ना आने से काफी कार्यकर्ताओं में सभी लोगों ने दुखी नजर आ रही है, सभी लोगों ने, पार्टी के लोगों ने तय किया और बहुत सारे लोगों से बातचीत के बाद डिंपल यादव का नाम तय हुआ। तेज प्रताप का नाम ना आने से कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। आप मैनपुरी के हो और बहुत अच्छा, मैंने बधाई आपको जो सवाल पूछ रहे हो, और आपको ना तेज प्रताप से पूछ लेना चाहिए बगल में बैठ। वो तो हमारे हैं भैया, तुम्हारे हैं। मैं चुनाव प्रचार जिस दिन से आया हूँ उसी दिन से चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। आपने आपने वोटर को लेकर शिकायत की, वोटर लिस्ट को लेकर? वो बात की बात है, क्या कहेंगे इस पे आप? वो बात की बात। प्रशासन का जो रवैया देखा गया, कई बार नामांकन करने के लिए आए हैं, पहली बार जो प्रशासन का रहा है वो समझ के परे है। ये हम किसी से कुछ नहीं कह रहे, जनता का चुनाव है, नेताजी का चुनाव है, मैनपुरी के विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव है, ये सब जानते हैं शासन प्रशासन के लोग।